हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी मूवी। क्या हाल चाल है? बहुत मज़ा आता है मेरे को जब कोई मूवी ना बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेटेड होती है और उसको किसी अलग एक जॉनर का टैग लग जाता है जबकि वो किसी और जॉनर की होती है। ऐसे ही एक मूवी है जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार ये तो 18+ है, इसके अंदर बहुत सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। लेडी चैटर्जीज लवर, ये 1920s के एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है। और जैसे ही आप इसको देखोगे और आपको लगेगा कि यार इसमें तो ये सब बोल्ड सीन्स वगैरह, तो इसके लिए इसके ऊपर कूद पड़ो, बट एक्चुअली में है नहीं। इसको अगर आप डीप डाइव करोगे, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। हालांकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा एक परफेक्ट मूवी है ये, लेकिन आपको जिस लेंस से इसको देखना है और स्पेसिफिकली अगर आपने इसको देख लिया और अगर आप ये मूवी दोबारा देखोगे ना, तो आपको एक लेंस और लगा के देखना है। देर इज़ लव, देर इज़ डिज़ायर, देर इज़ सेक्स फॉर श्योर, बट इट इज़ विद इन द रेलम ऑफ सोसाइटी। और उस टाइम के नॉर्म्स, उस एरा में क्या होता था, उसके वजह से ये सारी डिज़ायर्स, लव और सेक्स गवर्न हो रही थी। ये बहुत अजीब है सुनने के अंदर, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे अ वुमन इज़ अट्रैक्टेड टू अ मैन एंड दे आर मेकिंग आउट। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक मेंटल फ्रीडम की कहानी है। और क्यों दो एक तरीके के लोग साथ में आते हैं, तो पहले कहानी बता देता हूँ कि एक मिडिल क्लास औरत है, ठीक है, लेडी चैटर्जी, और जब वो शादी कर लेती है एक अमीर ख़ानदान के अंदर, और वो भाई साहब जो हैं वॉर के अंदर थोड़ा हैंडीकैप हो जाते हैं, तो इनके बीच में एक सुलह होती है कि भाई ठीक है, अब आई कैन नॉट मेक चिल्ड्रन, तो आप एक अपने लिए सूटेबल मतलब हाई क्लास वाला इंसान ढूंढ लो, हम किसी को बताएंगे नहीं, हमारा सीक्रेट रहेगा, एंड देन मे बी वी कैन हैव अ नेक्स्ट हेयर जो हमारे ख़ानदान को आगे लेके जाएगा। चैटर्जी नाम ही लेके वो आएगा, बट इस दौरान इसकी जो अट्रैक्शन है लेवर्स हो जाती है, जो इन्हीं का ही एक सर्वेंट है या फिर गेम कीपर जो यहाँ पर टेक्निकली बोला जाता है, इनके काम वाम देखता है, और इनका जो कनेक्शन है वो थोड़ा डीपर हो जाता है। अब ये जो कनेक्शन है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल होता है कि शी इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टू दिस मैन, ऐसा नहीं है। ये फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा और ज़बरदस्त डीपर अट्रैक्शन है। अगर आप देखो कि जो जो कॉन्स्टेंस है, यानी कि लेडी चैटर्जी है, ये एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती थी जहाँ पर मिडिल क्लास वैल्यूज थी इसकी। नाउ शी इज़ वेरी अपराइट लाइक अ लेडी, बट एट द सेम टाइम वो करते हुए भी थोड़ा वो झूठ का एहसास उसको होता था। जैसे ही वो ओलिवर के पास जाती है, उसको वो झूठ का जो पर्दा है जो उसको लगा के रखना था वो उतर जाता था, और क्योंकि जब वो उतर जाता था उसकी वजह से देवर फिजिकली मेंटली एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। अब मुद्दा ये आता है जो मूवी के अंदर आप देखोगे कि क्या ये जो वुमेन प्लेजर की कहानी है, कनेक्शन की कहानी है, ये जो फिजिकल बॉन्ड की कहानी है, क्या ये इमोशनल कनेक्शन भी बहुत सॉलिड सा बन जाएगा, एंड इवेंचुअली ये जो लव ट्रायंगल सा बन जाएगा, लेडी चैटर्जी इवेंचुअली एंड में किसको चूज करेगी, और वो राइट या रॉन्ग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इट इज़ बेसिकली अबाउट चॉइसेस। इसके ऊपर डिबेट्स हो सकती हैं कि वो इवेंचुअली किसको चूज करेगी फॉर अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो ये मूवी है, ये इस वजह से इंटरेस्टिंग हो जाती है, ना कि इसके बोल्ड सीन्स की वजह से। इंटेलिजेंट राइटिंग है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से दैट जो इस मूवी के अंदर अंडर प्ले किया गया, जिसकी वजह से ये बेकार बेकार रिव्यूज इधर उधर फ्लोट हो रहे हैं, वो यही है कि ये जो क्लास का हेयर फेयर था और 19th century का जो अर्ली टाइम था वो इतना ज़्यादा था कि आप जो फ्रीडम फील कर सकते हो एज अ वुमन वो था नहीं। और जैसे आपको फ्रीडम फील होता है कि अब आपको एक, जैसे कहते हैं ना, हॉल पास मिल गया अपने हस्बैंड से कि जाओ अब आप कर सकते हो किसी के साथ कुछ भी, वो एक हॉल पास की तरह ट्रीट होता है। हॉल पास गूगल कर लेना क्या मतलब होता है उसका, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे ख्याल से। और डाउनसाइड यही है कि मूवी में जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्लास डिवाइड का, और जिस वजह से दे फील अट्रैक्टेड टू ईच अदर, उसको थोड़ा अंडर प्ले करा गया है। वो अगर थोड़ा और ऑब्वियस तरीके से दिखाते हो तो आपको ये मूवी ज़्यादा डीपर तरीके से कनेक्ट करती। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। आते आते मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 7/10। इट्स अ गुड मूवी, बट एट द सेम टाइम द लैक दिस आस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द सोसाइटी डिवाइड विच लीड्स इन टू एन अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और जब नॉवल लिखा गया था इसके ऊपर, वो इसके ऊपर बेस्ड था, ना कि सेक्सुअलिटी के ऊपर। बाय बाय।